हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग ट्यूशन वाला भैया। हम लोग आज इंटर लेवल के जो वैकेंसी निकला हुआ है झारखंड में, उसका सिलेबस को लेकर के आए हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि इसका जो पेपर थ्री का सिलेबस है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, मैं फिर बता दूं कि पेपर थ्री में आप लोगों का जनरली पेपर थ्री में आपका क्या क्या आने वाला है। एक तो जीके जनरल स्टडी आप बोल सकते हैं, जनरल स्टडी, जीएस जनरल साइंस नहीं है। और इसके जनरल स्टडी में आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे और झारखंड जीके में, अगर झारखंड जीके का बात किया जाए तो 40 क्वेश्चन रहेगा, है ना, 40 क्वेश्चन। और आपका कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है और जो टाइपिंग नॉलेज भी होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए, इसमें जो है 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है लेकिन फिर से मैंने आपको बता दिया, ये जो है पोर्शन है आपका पेपर थ्री का, ठीक है। इसमें ना मैथ आने वाला है ना आपका रीजनिंग आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग झारखंड जीके का जो पोर्शन है उसका सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। झारखंड जीके में आपके सामने क्या क्या जो पॉइंट्स है, क्या क्या जो टॉपिक है वो आपके सामने देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो देखिए, आपका नोटिफिकेशन जो कह रहा है उस आधार पर हमने लिखा है, क्या कह रहा है कि झारखंड की सभ्यता, इसके बारे में पढ़ना है। झारखंड का सभ्यता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की भाषा, झारखंड का स्थान, खान खनिज उद्योग, ठीक है। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं झारखंड की सभ्यता, सभ्यता का अर्थ यहाँ पे किस टाइप से सवाल पूछे जाएंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि झारखंड का सभ्यता जो आदि मानव से शुरू हुआ वो वहाँ से, एक्चुअली में ये पार्ट जो है इतिहास से उठ करके ही आता है, हमने बाद में भूगोल एवं इतिहास लिखा है लेकिन अलग से लिखा हुआ है चूंकि, तो ये हम लोग अलग से एक चैप्टर को पढ़ेंगे फ्यूचर में, ठीक है। इसकी संस्कृति मतलब क्या होता है, संस्कृति यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि यहाँ के लोगों का जो वेशभूषा है वो अलग होती है, यहाँ का जो खान पान है वो अलग होती है, मतलब अलग अलग जगह से अलग, डिफरेंट तो होता ही है ना सभी जगह का। आप देखते होंगे कि रांची में जो लोग रहते हैं, धनबाद में जो लोग रहते हैं, उन लोगों में वेशभूषा में डिफरेंस आ जाता है, खाना पीना में डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ तो बात है पूरा झारखंड का, कि पूरा झारखंड में क्या संस्कृति है, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कशन होती है। और भाषा, इसमें कितने जनजातीय भाषा है, कितने, ये सारे चीज़ों के बारे में डिस्कशन होंगे, ठीक है। और स्थान, इसमें स्थान बोलने का मतलब, जनरली हम लोग जब भूगोल कंपेयर करेंगे तो भूगोल में स्थान के बारे में डिस्कस करेंगे, स्थान अर्थात इसमें कितने जिले हैं, कितने प्रमंडल हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में, ठीक है, कितने विधानसभा है। उसके बाद खान खनिज, ठीक है, कितने खान हैं और उस खान से कौन सा खनिज का जो है निर्यात किया जाता है, कौन सा खनिज उससे निकलता है, खान खनिज हम लोग पढ़ेंगे। उद्योग है ना, यहाँ पे बहुत सारे उद्योग भी हैं, ये सारे उद्योग के बारे में पढ़ना होगा आपको झारखंड में। और स्पेशली लिखा हुआ है भूगोल एवं इतिहास, तो भूगोल में तो यहाँ की मिट्टी किस टाइप की है, ठीक है, यहाँ का आबोहवा मतलब यहाँ का जो जलवायु है वो किस टाइप के हैं, ये सब चीज़ जो है यहाँ पे पूछी जाएगी। और इतिहास का जहाँ सवाल है, तो इतिहास में बोलने का मतलब झारखंड में कौन कौन सा धर्म का इम्पैक्ट रहा, ठीक है, इतिहास में ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे। कौन कौन सा शासक जो है यहाँ शासन किया, मुगल जब भारत में शासन कर रहे थे उस वक्त यहाँ पे कौन शासन कर रहा था, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, इसके पहले एक चीज़ और पढ़ेंगे इतिहास में, विद्रोह है ना, कितने विद्रोह हुए है कि नहीं, कितने विद्रोह हुए, सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही विद्रोह हुआ ऐसा नहीं है, उसके पहले भी विद्रोह हुआ, तो इतिहास में जो है विद्रोह भी हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान अर्थात जो अंग्रेज यहाँ पे आए थे उनके खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी उसमें झारखंड का पार्टिसिपेशन क्या था, झारखंड का जो है योगदान क्या था उसके बारे में। जहाँ तक बात है, नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य, झारखंड में साहित्य है, बहुत सारे बुक है, उसके ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे और वो सारे जो साहित्य है किस चीज़ का वर्णन करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। विकास योजनाएं, यहाँ पे बहुत सारी विकास योजनाएं चालू की गई है उनके बारे में एक उदाहरण ले लिए, जैसे कि पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना जो होती है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो सारे चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग। उसी तरह से बहुत सारे विकास योजनाएँ चलाई गई है वो सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे खेल खिलाड़ी, यहाँ पे एक एग्जांपल हम
बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जो है वो झारखंड रांची से बिलोंग करते हैं और भारत के कप्तान के रूप में अपना समय दिया और उन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया भारत को। ये जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दिए, जैसे जयपाल सिंह जी किस खेल से संबंधित है, इस टाइप के चीज़ें जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। खेल और खिलाड़ी, कौन सा खेल से बिलोंग करते हैं और खिलाड़ी का नाम क्या है, ठीक है। व्यक्तित्व, यहाँ पर्सनैलिटी का बात है, कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं झारखंड में या फिर थे जो देश भर में दुनिया भर में नाम रोशन किया, उन सारे पर्सनैलिटीज़ को भी पढ़ना है, ठीक है। नागरिक उपलब्धियाँ मतलब क्या है, यही सेम चीज़ है, टॉपिक जो है आपस में रिलेटेड है ये दोनों, कि नागरिक उपलब्धियाँ मतलब यहाँ के जो नागरिक उपलब्धियां कुछ अचीव किए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि झारखंड में बिरसा मुंडा जी को भगवान माना जाता है, ये जो उनका अचीवमेंट है ना, दिस इज हिज अचीवमेंट, तो ये सारे चीज़ों के बारे में जो है हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें परमवीर चक्र से जो है सम्मानित किया गया, और भी बहुत सारे सम्मान हैं जो मिला, वो सारे उपलब्धियों के बारे में इसमें डिस्कशन होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पुरस्कार। पुरस्कार मतलब हो गया सम्मान एक तरह से, क्या क्या पुरस्कार मिला, परमवीर चक्र और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो भी झारखंड के नागरिक को मिला है, वो सब चीज़ को आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें बहुत तरह के पुरस्कार होते हैं, ये सब जब टॉपिक होगी तो मैं डिस्कस करूंगा, अभी सिलेबस सिर्फ इतना समझिए कि जितने भी पुरस्कार होते हैं ये सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है और कौन से लोगों को मिला है उसका नाम भी पढ़ना है। एक और टॉपिक है 15 नंबर, ये लास्ट टॉपिक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, मतलब कुछ ऐसे चीज़ हैं जो झारखंड को प्राइड करता है, मतलब प्राउड है झारखंड का राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय में भी, मतलब इंटरनेशनली भी झारखंड जो है अपने आप को प्राउड फील कराता है कुछ विषयों पे, ठीक है। तो वो सारे विषय के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो है आपका 15 नंबर, ये आपका सिलेबस कहता है, ये भी आपको पढ़ना है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। तो देखिए ये जो 15 टॉपिक्स है, ये 15 टॉपिक्स अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे जो 40 क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस में अगर इसको आप ओवरव्यू भी करें, बोलने का मतलब आप अगर कोई भी बुक को खरीदते हैं, मैं कोई बुक का नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि हर बुक अच्छा है, मैं ये एकदम नहीं बोलूँगा ये बुक अच्छा है ये बुक अच्छा नहीं है, क्योंकि हर बुक अच्छा है, क्योंकि जो भी राइटर होता है ना वो इस मोटिवेशन से ही लिखता है, ये इस मोटिव से भी लिखता है कि स्टूडेंट को फ़ायदा हो, ठीक है। तो आप एक बुक से संतुष्ट अगर नहीं है दो बुक पढ़ लें, तो हर बुक अच्छा है झारखंड के, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी झारखंड का बुक उठाइए और पढ़ने चालू कीजिए, ये सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए। कवर करने के बाद भी मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ ये जो 40 क्वेश्चन है इसमें आप 35 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे सर आप हम लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन सर कुछ सवाल ऐसे हो जाते हैं जो आउट ऑफ रेंज हो जाता है, क्योंकि सिलेबस में आपका इसके बाद इत्यादि लिखा हुआ है। आप कभी भी जो है ये नहीं बोल सकते हैं एग्जामिनर को आपने सिलेबस के बाहर सवाल किया, इत्यादि लिख दिया है ना, अब इत्यादि में क्या पढ़िएगा वो आप पर डिपेंड करता है। तो कुछ मिसलेनियस चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं जाते जाते, इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोगों का झारखंड जीके का सीरीज चल रहा है, अगर आप लोग पहला दिन से सीरीज में अटेंड कर रहे हैं दैट्स गुड, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को मैं सूचित कर दूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों को ये सीरीज जो है कंटिन्यू मिलते रहेगी, ये कोई एंड होने वाला चीज़ नहीं है। अर्थ ये है कि आपका अगर इतना मोटा सा कॉपी आप खरीदे हैं 200 पेज का, वो भी कम पड़ जाएगा, इतना होगा, इतना जीके मैं आपको दूंगा झारखंड का जीके, और मैं साथ ही साथ ये भी बोल रहा हूँ कि क्लास में ही याद हो जाएंगे। मतलब क्या है, ड्यूटी हम लोगों का झारखंड जीके का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो झारखंड जीके का कुछ टिप्स भी मैं आपको बता दूं याद रखने का, कि जब भी आप एक चीज को पढ़ें, जब भी मान लीजिए मैं डेली का डेली 20-30 सवाल आप लोगों से करा रहा हूं, तो 20-30 सवाल जो है आप लिख लिए, लिखने के बाद उस वक्त तो याद रह गया, दूसरा दिन जब आप दूसरे चीज़ों को लिख रहे हैं ना तो एक बार जो है आंख उसमें चला लीजिए, बोलिएगा सर एक दिन तो ऐसा समय आएगा जिस दिन 100 पेजेस हो जाएंगे उस दिन कैसे करेंगे, तो उस दिन जो है 100 पेजेस आपको रिवाइज नहीं करना है, पहला दूसरा तीसरा पेज कर लेना है, फिर दूसरा दिन करेंगे तो तीसरा चौथा पाँचवा दिन पाँचवा पेज जो है आपको रिवाइज करना है। एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, इफ़ यू आर
डूइंग रिविजन, इफ यू आर रिवाइजिंग योर प्रैक्टिस, जो भी चीज को आप आज प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको अगर कल दिन रिवाइज कर रहे हैं तभी आप जो है क्रैक कर पाइएगा। नहीं तो एग्जाम के टाइम में ऊपर देखने वाला भी कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं वहां पे, ये एक और एग्जाम होती है, एग्जामिनर जो चेक करता है वो देखता है कि आप जो है नीचे देख के गोला मार रहे हैं या ऊपर देख के भगवान को बुला रहे हैं, तो वहीं पे टेस्ट हो जाती है। तो भगवान को उस वक्त ना बुलाना पड़े इस वजह से आज जो है मेहनत कर लीजिए और आपकी जो प्रयास है वो हमेशा सफल होगी अगर आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा।